नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने वाले प्यारे मियां को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई है और उन्होंने प्यारे मियां के कारनामों पर नजर टिका दी है। प्यारे मियां के कश्मीर कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियां बहुत गंभीर हैं। इस बीच प्यारे मियां के रसूख के कई किस्से सामने आए हैं। 1990 से 2000 के बीच प्यारे ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। इस बीच बड़े लोगों से कनेक्शन की तस्वीरें सामने आना शुरू हुई है। प्यारे मियां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व बीजेपी विधायक और अब कांग्रेस नेता मन्नू डागा के साथ नजर आ रहा है। प्यारे के ये कनेक्शन क्या कहते हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग उपाध्याय हैं। अनुराग जी से चर्चा करेंगे। अनुराग जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं, मन्नू डागा के आगे प्यारे मियां खड़ा है, क्या कनेक्शन है इन तस्वीरों? देखिए, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये हमारे संवाददाता तरुण यादव के थ्रू तस्वीरें हमको मिली हैं और बहुत कुछ बयान करती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, ये किसी कार्यक्रम का किसी पार्टी का चित्र है ये वीडियो जो हमारे सामने आया है। दिग्विजय सिंह भोजन कर रहे हैं तो जाहिर है किसी पार्टी का ही होगा, लेकिन ये इसमें शेफाली जी एक बात और कहूंगा कि ये ताजा वीडियो है, पुराना वीडियो नहीं है, क्योंकि मन्नू डागा कभी दिग्विजय सिंह से नहीं मिलते थे। जब ये कांग्रेस में आ गए उसके बाद इनकी दिग्विजय सिंह से नजदीकियां बढ़ी हैं। साल भर के अंदर का वीडियो, ये वीडियो ताजा है और इस वीडियो में एक खास चीज और है कि दो तीन ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत लाजमी है। दिग्विजय सिंह, जिनके समय ये प्यारे मियां पूरा खड़ा हुआ है, इसने अपने साम्राज्य फैलाया, मन्नू डागा नए हैं, एक लाल जॉकेट में जो सज्जन नजर आ रहे हैं ये दैनिक भास्कर जबलपुर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मनमोहन अग्रवाल इनका नाम है, अगर मैं इनको ठीक पहचान पा रहा हूं तो वो इसमें नजर आ रहे हैं। इनकी और मन्नू डागा की दोस्ती के किस्से किसी से छुपे हुए नहीं है और जिस रात ये सारा किस्सा हुआ उस रात भी कई रसूखदारों के जिनके नाम आए तो इनका भी एक नाम था कि ये कहीं ना कहीं इनको जानकारियाँ होंगी। जो कुछ भी हो, पुलिस की जांच होगी, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। शेफाली जी, आपने कहा तस्वीर क्या कहती है, ये तस्वीर कहती है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। अगर ये पहला वीडियो है, इस तरह के भी कई वीडियो रसूखदारों के साथ आएंगे, कई बीजेपी के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, अदर पार्टी के लोग होंगे, हो सकता है इस शहर के अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बहुत सारे रहे, उन लोगों के साथ तस्वीरें आए, कुछ गुंडे बदमाशों के साथ तस्वीरें आए, तो बहुत सारी चीजें भी आना बाकी है। ये तो शुरुआत है, पहले ही दिन से कहा जा रहा था कि व्हाइट कॉलर वालों के बहुत सारे, शुरू का धमाका है। दिग्विजय सिंह से अंतरंगता है, अगर आप भोजन पे मेरे साथ खड़े हो और मुझसे बातचीत कर रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि दिग्विजय सिंह प्यारे मियां को जानते हो। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उसी दौरान प्यारे मियां ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित किया। मुझे याद है ये काल 1992-93 के बाद शुरू होता है, फिर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं 94 से लेकर और 2000 के बीच प्यारे मियां एक एस्टेब्लिश आदमी बन गए थे और अखबार में काम करने वाला आदमी खुद अखबार मालिक बन जाए और सरकार से अधिमान्यता लेके खुद पत्रकार बन जाए, ये सारा काम उसी दौरान हुआ है। सुनने में आया शुरुआत की और सरकारी बंगले तक, अगर कोई सरकारी घरों, कई सारे मकान आप देखें जो आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं उसमें उनके घरों पे कार्रवाई भी की जा रही है और सारी चीजें, तो जो तस्वीर आप दिखा रही हैं बहुत कुछ कहती हैं और बहुत गुल खिलाएंगी ये तस्वीरें। जैसा मैं कह रही थी कि पहले दिन से ही कई बड़े लोगों के नाम आने की चर्चा शुरू हो चुकी थी, वैसे ही क्या लगता है आपको, प्यारे मियां के जो बड़े कनेक्शन है, जो सहयोगी है, जो दोस्त है, कुछ लाभ मिलेगा प्यारे मियां? प्यारे मियां की पहले कार्य पद्धति समझिए कि प्यारे मियां खुद तो करता ही था, उसके दोस्त कुछ अखबार मालिक हैं, उसके कुछ दोस्त उद्योगपति हैं, उसके दोस्त कुछ बिल्डर हैं, वो खुद भी बिल्डर है, सारे काम वो करता है, उसके पास बदमाशों की फौज है शहर में, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, कोई आवाज़ नहीं उठाता था, ये स्थिति थी। तो प्यारे मियां ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, किसके समय खड़ा किया, कैसे किया, ये सब जानते हैं, लेकिन कभी कोई बोलता नहीं था, लेकिन अब तस्वीरें आ रही हैं तो सारे कनेक्शन खुल के सामने आ जाएंगे। केस में लाभ मिलेगा, क्योंकि कई पत्रकारों को ये लगता है कि बस पुलिस वालों के कुछ इंटरव्यू कर लो, बड़े बड़े लोग, हाँ, प्यारे मियां ने, प्यारे मियां ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, प्यारे मियां ने अपने कुछ शागिर्दों को मीडिया में घुसेड़ा, वो पुलिस वालों को इंटरव्यू करते थे, पुलिस की ही पत्रकारिता करते थे एक तरीके से, और ये इसलिए था क्योंकि ये अपराधी थे, ये अपराध करते थे, इनको मालूम था कि कभी भी इनको अपने ऊटपटांग कामों में पुलिस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनके जितने समर्थक, इनके जितने शागिर्द, इनके जितने रिश्तेदार हैं वो पुलिस से जुड़ा हुआ ही पत्रकारिता करते थे। लेकिन जिस तरह का कृत्य बच्चियों के साथ, छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का जो मामला है शेफाली जी, ये अक्षम्य है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, सजा है मौत। इस तरह के अय्याशों के लिए, लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के लिए, उनका यौन शोषण करने वालों के लिए एक ही सजा है। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महिलाओं का समर्थक हूँ इसलिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए समाज में जगह नहीं होती। तो कितने ही बड़े लोगों से, रसूखदारों से ताल्लुक रखें, मुझे लगता है इसका लाभ अब प्यारे मियां को कम से कम नहीं मिलेगा। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अय्याश।
अय्याश बलात्कारी इस प्यारे मियां को लेकर अब केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको केंद्रीय एजेंसियों के सतर्क होने के पीछे क्या वजह है? ये बहुत चौंकाता है कि एक बलात्कारी जी, एक अय्याश आदमी उसके लिए केंद्रीय एजेंसी क्या था कि जब जिस रात को पूरा किस्सा हुआ उस रात प्यारे मियां और उनकी चंडाल चौकड़ी पुलिस वालों को पटाने में प्रलोभन देने में दबाव बनाने में लगी थी कि मामला दब जाए, लेकिन प्यारे मियां का जब मामला नहीं दबा तो प्यारे मियां यहां से आष्टा भागते हैं, आष्टा से इंदौर पहुंचते हैं, इंदौर से फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर बहुत चौंकाता है, श्रीनगर आतंकवादियों के कब्जे में रहा है लंबे समय तक, श्रीनगर ऐसी जगह है जहाँ से आतंकी फैक्ट्रियां संचालित होती थी, अंडरवर्ल्ड के कई काम होते थे, पाकिस्तान समर्थक लोग रहते थे, इसलिए जो हमारी एजेंसियां भारत सरकार की उनका चौंकना, उनका नज़र बनाना, जो आपके लिए निगाह रखें तो उनका निगाह रखना बहुत लाजमी है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भोपाल का भी कई बार अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आया है तो हो सकता है प्यारे मियां उस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में मदद करता हो, कई बार भोपाल के आतंकियों से कनेक्शन जुड़े हैं तो हो सकता है ये उसमें मदद करता हो। तो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो अपनी तरीके से जांच करेंगी, मध्य प्रदेश की जो एजेंसियां हैं वो अपनी तरीके से जांच करेंगी, मध्य प्रदेश की पुलिस जो बलात्कार के मामले में इसको खोज रही थी वो अपनी तरीके से जांच करेगी, लेकिन ये लगता है कि अब इस पर शिकंजा कसेगा और कसेगा। लेकिन अनुराग जी, जैसे कि अपन कल से देख रहे हैं कि एक चर्चा बड़ी गर्म है कि प्यारे मियां हो या कोई भी हो वो अपनी सेफ्टी के लिए उस जगह पर भागता है जहां पर उसको आशा हो कि मदद मिलेगी, श्रीनगर क्यों भागा प्यारे? श्रीनगर भागा ये बहुत चौंकाता है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, ये इस तरह के नोटिसेस तब जारी होते हैं कि जब संभव हो कि आपके पास पासपोर्ट हो आप विदेश भाग सकते हो, तो अब सवाल उठता है कि ये घूम फिर के पहुंचा कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कौन सा कनेक्शन है, वहां से कौन से देश जाने का रास्ता है भाई, वहां से पाकिस्तान पास में, तो क्या प्यारे मियां पाकिस्तान जाना चाहता था? ये जांच एजेंसियों के विषय है, ये हमारे विषय नहीं है। हाँ, लेकिन ये कश्मीर जाना जो है ये अपने आप में 100 सवाल खड़े करता है और 100 सवालों के जवाब एजेंसियां प्यारे मियां से चाहेंगी, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई लिंक मिल गया तो मुझे लगता है प्यारे मियां बहुत लंबे नपने वाले हैं। अब जी अनुराग जी, पहले दिन से हम देख रहे हैं, जिस दिन से प्यारे मियां पर पुलिस ने हाथ डाला है, उसके शादी हॉल, एक अंसल अपार्टमेंट में आलीशान शानदार फ्लैट जिसमें हर लग्जरी चीज मौजूद थी, उसके बाद कई ऐसी बेनामी संपत्तियां जाहिर हुई हैं जो प्यारे मियां ने जबरदस्ती कब्जा के रखी थी, कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, जांच का विषय है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई रसूखदारों के काले चेहरे समाज के सामने आएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।